महापौर सीताराम जायसवाल द्वारा रेलवे स्टेशन के सामने इंडिया ग्लाइकॉल्स लिमिटेड द्वारा लगाई गई क्रश मशीन का प्रयोग किए हुए प्लास्टिक बोतल डालकर क्रश कराते हुए उद्घाटन किया गया। कंपनी के जनरल मैनेजर अपूर्वा शाह द्वारा बताया गया कि इस क्रश मशीन में प्रयोग हुए प्लास्टिक के बोतल को क्रश कराकर उससे चिप्स तैयार किया जाएगा, जो मशीन के डिब्बे में उसकी क्षमता के अनुसार भरा जाएगा। तत्पश्चात दूसरा डब्बा लगाया जाएगा। चिप्स को रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड बाराबंकी उत्तर प्रदेश भेजकर उसका फाइबर सामग्री बनाया जाएगा। महानगरवासी या कोई भी व्यक्ति बोतल क्रश करेगा या उसके मोबाइल नंबर पर पेटीएम के माध्यम से प्रति बोतल 50 पैसे की दर से कंपनी द्वारा भुगतान किया जाएगा। महापौर ने कहा कि इस क्रश मशीन के लगने से महानगर में जो कचरे के रूप में बोतल लोग फेंक देते हैं, जो नाली नालों में जाकर चोक करते हैं तथा कुछ लोग उसे जला देते हैं, जिससे पर्यावरण को भारी क्षति होती है, इससे महानगर के पर्यावरण में सुधार होगा एवं महानगर के जल जमाव की समस्या से लोगों को निजात मिलेगी तथा लोगों में एक जागरूकता पैदा होगी। लोग अपने घरों से निकलने वाले बोतलों एवं कूड़े को अलग रखकर सफाई व्यवस्था में सहयोग प्रदान करेंगे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए कंपनी के मैनेजर व महापौर सीताराम जायसवाल ने बताया। मेरा नाम है प्रांजुल झा। ये मशीन बायोक्रक्स की मशीन है। ये प्लास्टिक की बोतल को क्रश फ्लेक्स में कन्वर्ट करती है, जिससे किसी भी प्लास्टिक बोतल का 85% वॉल्यूम रिडक्शन हो जाता है। इसके कारण जो जगह प्लास्टिक घेरता है, जहाँ पे 10 से 15 बोतल स्टोर करी जा सकती हैं डस्टबिन में, वहाँ 500 से 600 बोतल एक लीटर की स्टोर हो सकती हैं। कोई भी यूज़र इसके अंदर आके अपनी बोतल को डाले, उसके बाद मशीन अपने आप चालू हो जाती है, उसको क्रश करके बंद हो जाती है। और मशीन चालू जब कोई भी बोतल डालता है उसके अंदर, तो बगल में जो उसके एक लीवर लगा हुआ है, उसमें वो अपना मोबाइल नंबर डालेगा। उस मोबाइल नंबर पे उसको एक मैसेज आएगा, जिसमें एक कूपन होगा, जो पेटीएम पे उसको एक रुपया एक बोतल पे मुफ्त कूपन डिस्काउंट कूपन मिलेगा। तो इससे लोग अट्रैक्ट होंगे मशीन को यूज़ करने के लिए। उसके अलावा इस मशीन में टीवी लगा हुआ है फ्रंट में, जो कंटिन्यूसली बताता है लोगों को कि किस तरह से प्लास्टिक के क्या क्या बेनिफिट्स हैं, प्लास्टिक को इस मशीन से किस तरह से रिसाइकल किया जाता है। तो ये एक तरह से बहुत इंटरैक्टिव मशीन है कस्टमर्स के साथ में। स्टेशनरी मशीन नहीं होती है जो पड़ी हुई है साइड में, अगर किसी को पता हो तो जाए। ये टीवी के कारण और इस पेटीएम के मैसेज के कारण बहुत इंटरैक्टिव मशीन हो जाती है कस्टमर से, तो लोग अट्रैक्ट होते हैं इसकी तरफ आके इसको यूज़ करने के लिए। एक घंटे में ये 500 बोतल तक फ्लेक बना सकती है, और 500 बोतल जो हैं, और एक बार में इसका जो बिन है वो करीबन 500 से 600 बोतल तक स्टोर कर सकता है। ब्रिज मोहन शर्मा, ये IGL और रिलायंस के सहयोग से एक पेट बोतल क्रैशिंग मशीन है बायोक्रक्स की, वो हमने स्टेशन के पास अभी एक नई पहल की है, जिससे कि ये बोतल क्रैश करके पेट बोतल उसको क्रैश करने के उपरांत इसका दाना बन जाता है, फ्लेक्स बन जाता है, वो वापस रिसाइकिल किया जाएगा, जिससे कि हमारा एनवायरनमेंट जो है प्रोटेक्ट होगा, और मतलब पर्यावरण के लिए भी बहुत ज़्यादा होगा और पेट के लिए भी रिसाइकिलिंग का एक प्रावधान होगा, जो देश के हित में होगा, जो मोदी जी का सपना जो है स्वच्छ भारत का, वो मिशन हमारा पूरा होगा इसके द्वारा। मैनेजर रिलायंस, आज यहाँ पर एक बहुत ही नोबल कॉज के लिए आया हूँ। रिलायंस जो कि इंडिया की वन ऑफ द लार्जेस्ट रिसाइकलिंग कंपनी है, वो उत्तर प्रदेश डिस्टिलरीज एसोसिएशन के साथ मिलके यहाँ पे आज दो काम करने जा रही है। एक बोतल क्रशिंग मशीन लगा रही है, और साथ में एक हम पूरी पेट बोतल के लिए रिसाइकलिंग चेन बना रहे हैं, जिससे इंडिया ग्लाइकॉल्स जो वन ऑफ दी पार्टनर है UPDA की, वो सारी बोतल इकट्ठा करेगी और हमारे बाराबंकी प्लांट में रिसाइकलिंग के लिए भेजेगी। वहाँ जाके वो बॉटल्स को हम आगे प्रोसेस करके उससे फाइबर बनाएंगे, उस फाइबर से
टी शर्ट्स वगैरह जो इत्यादि वस्तु है वो बना के हम पूरे उत्तर प्रदेश में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। इससे एक चीज़ हो जाएगी कि ये जो प्लास्टिक का कचरा जो लोग बोल रहे हैं कि भाई यहाँ कहीं जमा होता है, उसको हम एक अच्छा रूप देंगे और ये रिवर्स वेंडिंग मशीन के द्वारा आम जनता को बताएंगे कि आप ये बॉटल कहीं पे फेंके मत, यहाँ लाइए, यहाँ दीजिए, आपको उसका इनाम भी मिलेगा और आपको पता भी चलेगा कि इसकी क्या यूज़ होती है। तो ये हम इसके आज अपने जो गोरखपुर के मेयर जी श्री सीताराम जायसवाल जी हैं उनका भी हार्दिक स्वागत करते हैं कि उन्होंने आज एक ये अच्छे काम के लिए अपना समय निकाला। एंड हम ये यहाँ रुकने वाले नहीं है, हम पूरे उत्तर प्रदेश में ये मुहिम फैलाने वाले हैं जिससे कि प्लास्टिक का जो भी कचरा है वो हम जमा कर सकें और हम आगे उसको रिसाइकल करने में हेल्प कर सकें। धन्यवाद। आईजीएल और रिलायंस के सहयोग से बोतल क्रशिंग मशीन लगाई गई है। इसका मुख्य उद्देश्य है प्रधानमंत्री के स्वच्छ भारत मिशन अभियान को जनता तक पहुंचाना। आज बहुत बड़ी समस्या है प्लास्टिक निस्तारण की, जो हमारे वातावरण को दूषित कर रहा है। इसी मिशन के तहत भारत को स्वच्छ और सुंदर बनाने के लिए आईजीएल गीडा के सभी प्रबंधक, वहाँ के कर्मयोगी, हमारे अबकारी विभाग के अधिकारी और रिलायंस ग्रुप के सहयोग से एक कार्यक्रम चलाया जा रहा है। आगे भी इस तरह की पब्लिक जहाँ पर ज़्यादा रहती है, ये मशीन लगा करके जो पानी के बोतल हैं, आबकारी विभाग के जो बोतल जिसमें पैकेजिंग होती है, उसको इसमें क्रश करके उसका उपयोग तमाम चीज़ों में कराया जाएगा। रिसाइकलिंग के करके फिर बोतल भी बनाए जाएंगे। इस अभियान के तरफ गोरखपुर स्टेशन के सामने ये मशीन लगाई गई है। हमें उम्मीद है, पूरा विश्वास है कि मशीन मोदी मिशन, स्वच्छता मिशन को आगे बढ़ाने में एक मील का पत्थर साबित होगा। साथ ही साथ इसमें एक और फायदे हैं, जो भी व्यक्ति एक बोतल उसके अंदर डालेगा उसको 50 पैसे उसके मोबाइल में आ जाएंगे। इसके लिए इसमें सिस्टम बनाया गया है कि आप अपने मोबाइल नंबर डायल करें और डायल करने के बाद एक बटन है जिसे दबाएंगे तो कुछ ही देर के अंदर पर बोतल 50 पैसे उसको लाभ मिलेगा। इससे भी ज़रूरी है कि हम नागरिकों को जागरूक करें, क्योंकि बिना पब्लिक अवेयरनेस के ये चीज़ें संभव नहीं है। तो मैं अधिकारी विभाग को, आईजीएल को और रिलायंस ग्रुप को मैं कहूँगा कि कुछ दिनों तक इसका प्रचार प्रसार करें, नागरिकों को जागरूक करें कि इस मशीन का उपयोग करें और गोरखपुर को प्लास्टिक के बोतल से मुक्त करने का एक अभियान चलाएं, तो हमारा उद्देश्य सफल होगा।